नमस्कार, मैं जिब्रान जरार खान। महज एक रुपए में गरीब मरीजों का इलाज करने को लेकर पश्चिम बंगाल के बोलपुर के निवासियों के बीच एक टका वाले डॉक्टर के नाम से चर्चित डॉक्टर सुशोवन बनर्जी ने पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने जाने पर इसका श्रेय उन आम लोगों को दिया जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। डॉक्टर बनर्जी इस साल पश्चिम बंगाल से पद्मश्री के लिए चुने गई चार शख्सियतों में से एक हैं। डॉक्टर बनर्जी ने कहा है कि मैं ये पुरस्कार पाकर बहुत खुश हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मैं 57 साल से मरीजों का इलाज कर रहा हूं, ये पद्मश्री उनके चलते संभव हुआ है। मैं ये पुरस्कार उन्हीं लोगों को समर्पित करता हूं। बीरभूम जिले के बोलपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व कांग्रेस विधायक ने कहा कि वो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के फोन कर उन्हें बधाई दी, जिसके साथ उनके खूब मधुर संबंध है। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं। उन्होंने शनिवार शाम मुझे फोन कर बधाई दी। पूर्व विधायक ने कहा कि उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वह इस साल पद्म पुरस्कार की सूची में है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस विधायक था, मेरे लिए ये आश्चर्य की बात है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना, मैं उनका आभारी हूँ। बनर्जी के अलावा पद्मश्री के लिए पश्चिम बंगाल के तीन अन्य शख्सियत डॉक्टर अरुणोदय मंडल जिनको मेडिसिन में, काजी मासूम अख्तर जिनको साहित्य और शिक्षा, और मणिला नाग जिनको कला में चुना गया है पद्मश्री के लिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।